आपका नहीं, आपका कहना बिल्कुल उचित है। नहीं मुझे जो लग रहा है, एक मिनट, जो मुझे लग रहा है मुझे उसको कह लेना दो पहले, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि जो सुभाष सेना और सुभाष जी के बारे में बातें करना है ये सब बेकार की बातें हैं, ये अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश इनके लिए मायने नहीं रख रहा है। नहीं ऐसा मैं नहीं, मेरे बुक्स में तो ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन आप अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। देखिए मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। क्या जो है, जो ऐप की लिंक भेजी गई है, क्या उसके माध्यम से जुड़े, नंबर वन। नंबर टू, जो भी हम संगोष्ठियां कर रहे हैं, इतना भ्रमण कर रहे हैं, क्या वहां पर क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य के बारे में बताया, जो कि युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, युग बदल जाएगा, कलयुग से हम जो है सतयुग में पहुंच जाएंगे, जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा है वो भविष्यवाणी, और उन्होंने समय भी दिया था कि 2024 से ऐसा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो जो है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये ईश्वरीय जो है इंटरवेंशन है कि कलयुग में ही सतयुग जो है ना फोर्सफुली इंटर करने वाला है। और ये इंटर जो है, जो सतयुग है, ये शॉर्ट पीरियड का सतयुग होगा, क्योंकि ये सतयुग को ईश्वरी शक्तियों को घुसेड़ना पड़ा है। ये सतयुग जो है, जो जमीन पे अत्याचार हो रहे हैं उनके कारण ये सतयुग बीच में आना पड़ रहा है। ये सतयुग केवल 1000 साल का होगा, 1000 साल के बाद पुनः कलयुग का जो है बचा हुआ पीरियड कंप्लीट होगा और फिर नॉर्मल क्लॉक चलना चालू होगी। मतलब ये जो कुछ भी घटित होने वाला है ये ईश्वरीय विधान का हिस्सा है। ठीक है आप, और इसमें जो है ये सब हार जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। एक नई व्यवस्था आएगी जिसमें विधान बदल जाएगा, जिसमें व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, व्यवस्था में बैठे लोग जो आज जो है लॉर्ड बने हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, ये गलत निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि ये जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेंगे तो इन्हें प्रशासकीय दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति देना होगी जो उनकी औकात के बाहर होगी। लिहाजा गलत निर्णय लेना उनकी क्षमता के बाहर हो जाएगा। सही है। जहां पर जो है ऐसा क्राइम फ्री भारत होगा जहां अपराध घटित होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आपका कहना बिल्कुल सूचित है कि हम जो है बंधे हुए हैं संत सम्राट के बातों पे, हम उनके आदर्शों पे, उनके उनसे बाहर नहीं निकल सकते। नहीं तो आपको कहां बाहर निकलना पड़ रहा है? मुझे तो लग रहा है आप उन आदेशों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है, जो आपको करना चाहिए था कि अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये युग परिवर्तन की व्यवस्था जो मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से दी है उसमें भी अपनी सहभागिता निभाते। मेरी बात होने के बाद यदि आनंद प्रताप जी ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं उन्हें उनके इस कृत को देशद्रोह की कैटेगरी में रखूंगा। वो जो है सुभाष जी के अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सब कुछ निछावर करके अपना जीवन दांव पे लगा के देश को जो है ना आजाद कराया है, वो व्यक्ति का जो है ना आपका आदर्श कहाँ दिख रहा है? यदि आपको कहीं पे मुझसे जो है ना सहमति नहीं है तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि मुझसे साक्षात कर सकें। बंसल जी ये बात मान रहे हैं कि नहीं? वो साक्षात भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना। यदि उनको कहीं लग रहा है कि मैं भ्रमित हूँ तो मुझसे बात करें कि साहब इन बिंदुओं पे मुझे खुलासा चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपकी वार्तालाप है 21 तारीख को कराऊंगा। मैं 21 तारीख को वहाँ पहुँच रहा हूँ, अभी मैं बेंगलोर से 16 को आऊंगा। नहीं लेकिन आप उनको स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहिए कि ये वो सुभाष जी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त उनके कृत को देशद्रोह की कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि जो एक युग परिवर्तन होने की संभावना है उसमें तो सभी को, जय गुरुदेव जी ने भी ये कहा है कि सभी, देखिए जय गुरुदेव जी ने ये कहा है कि सभी लोग एक छत, एक जो है ना झंडे के नीचे आएंगे, कहा है कि नहीं कहा है? 100%
तो फिर एक झंडे के नीचे तो नहीं आ रहे हैं, ये तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम थोड़ा बंधे हुए हैं नेताजी के, हम उसके बाप से बियॉन्ड। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप नेताजी का एक वो सेंटेंस बता दो जिस जो कि आपको जो है ना इस काम को करने से रोक रहा है। यदि 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 ऐसा नहीं है तो आप आपके आदित्य प्रताप जी और आपकी जो प्रेसिडेंट बनी हुई है, क्या नाम है उनका, जो भी स्मिता सुमरन जो भी नाम, संगीता जी, ये सभी जो जो है उनको जो है ना निर्दिष्ट काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ढपली अपनी राग बजा के अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। अपने आप को स्थापित नहीं करना होगा, देश को स्थापित करना पड़ेगा। हमें देश को स्थापित करना है, हमें अपने को नहीं करना, हमें तो अपने तो फिर, इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी ऊर्जा, इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा संकल्प, आप बताइए ना कि उस 21 लक्ष्यों में आपकी कौन सा लक्ष्य जो समाहित नहीं है? यदि यदि आप यदि आप एक चीज और आप यदि आप और यदि आप जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी का या संत समाज का एक सेंटेंस बता दें जो आपके मार्ग में बाधा बन रहा है, तो फिर मैं जो है ना आपकी उसको संशोधित कर लूंगा उतना, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शुद्ध दुष्टता है, और ये जो है मैं तो इसे देशद्रोही भी कहूंगा। नहीं मैं मुझे देखिए, जब तक मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज नहीं करूंगा तब तक मैं आपको जगाऊंगा कैसे, ये बताइए ना। सही बात है, कुछ जगाने के लिए कुछ तो चाहिए, अंकुश लग चाहिए, हाथी हाथी के लिए अंकुश चाहिए, मोहम्मद बैठा है तो दिखाता रहता है। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप सुभाष जी के तो है ही नहीं कुछ, आप जो है देश के भी कुछ नहीं है, आपके अंदर जो है ईश्वर ने वो शक्ति दी है, फिर भी यदि आप उसे सही दिशा में यूज नहीं कर रहे हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप देशद्रोही हैं। और युग परिवर्तन तो जो है ईश्वरी शक्ति से आता है, तो उसमें यदि आपके आदित्य प्रताप जी और संगीता जी यदि नहीं भी सहभागी बनेंगी तो युग परिवर्तन के लिए तो कोई दूसरा आ जाएगा। तब आए तब भी आएगा, मैं वही कह रहा हूँ, वो युग परिवर्तन जो है आपके आदित्य प्रताप सिंह के का मोहताज नहीं है, आपकी संगीता जी का भी मोहताज नहीं है, लेकिन यदि अच्छे लोग जर्नी में साथ में एक झंडे के नीचे आएंगे तो हम जो है अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। अभी मेरी दुआ जी से बात, अभी मेरी दुआ जी से, अभी मेरी दुआ जी से बात हो रही थी, वो सभी पार्टियों को खटक है, कौन ये जो दुआ है जो बहुत सारी जो राजनीतिक उसको जोड़ रहे हैं और भाजपा हराओ अभियान में चल रहे हैं, इस तरीके का कुछ को धंधा कर रहे हैं वो, तो उनका फोन आया तो मैंने उनको बहुत डांट लगाई। मैंने उनसे सीधी बात ये कही कि तुम किन राजनीतिक पार्टियों को साथ में लाना चाह रहे हो और क्यों लाना चाह रहे हो? ये तो वो राजनीतिक पार्टी है जो शुद्ध दुष्ट है, जो 15-15-20 साल से एग्जिस्ट कर रही है और उन्होंने धेले भर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। उनकी सोच और लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना। उनके यहाँ खुद का लोकतंत्र नहीं है तो पार्टी देश का क्या करेंगे? करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। तो मिस्टर दुआ के पास एक लाइन नहीं थी उनके अपने डिफेंस के लिए, और हमने कहा कि ये नेता जो खुद के लिए जी रहे हैं ये देश का भला नहीं कर सकते, और एक परिवर्तन करना तो उनकी औकात के बाहर की बात है। हाँ सही है। और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि किसी को इंक्लूडिंग मैथिली शरण गुप्त को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि युग परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष की जो है ना औकात के बाहर है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त इस काम में लगे हुए हैं तो ये ईश्वरी शक्ति का जो है प्रेरणा है, ईश्वरी शक्ति आपको, मैं तो यहाँ कहूंगा कि वो आपको फोर्स कर रही है टू डू ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना, हाँ आप सही कह रहे हैं, प्रेरणा मिलती है, हर एक को प्रेरणा मिलती है, हमने शायद उसको इस संदर्भ में नहीं देखा होगा ना सुना सोचा, जिस संदर्भ में आप बोल रहे हैं कि प्रेरणा आपको ही मिली है, हमें भी कुछ मिली है, मगर हम दूसरे डायरेक्शन जा रहे हैं, आप दूसरे में लेकिन यदि आपको दूसरे डायरेक्शन में जाने का उचित आधार नहीं है तो डायरेक्शन बदलिए, नहीं तो मुझे बताइए कि साहब मेरा ये आधार है। नहीं, हमारा आधार सिर्फ संत सम्राट वो हमें दर्शन देते हैं वही कर रहे हैं हम बस। तो क्या डायरेक्शन? नहीं नहीं, क्या क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? ये डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि एक युग परिवर्तन की बात कर रहा है जो सभी अच्छे लोगों को एक झंडे के लिए चिन्ह रहा है, जो देश में जो है जो गुलामों के नियम कानून है उनको बदलने की बात कर रहा है, जो व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, जो अपराध मुक्त भारत ला रहा है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत ला रहा है, जो कर मुक्त भारत ला रहा है, जो किसानों की आमदनी 5 गुना है।
ये तो नेताजी के विचार है आपके, फिर नेताजी के, नेताजी के विचार होने के बावजूद भी यदि आप लोग उसमें कोताही कर रहे हैं तो ये नेताजी के प्रति आपकी दुष्टता नहीं है क्या? सही कह रहे हैं आप, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। नहीं मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि यदि उनके विचार यही हैं और कोई उनको विचारों को जमीन पर उतारने का एक ठोस मॉडल लेके आया है जिसके तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सम्मिलित होंगे, न केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी, और इसके बाद भी यदि आप सोए हुए हैं तो ये राष्ट्रद्रोह है, ये माननीय सुभाष चंद्र जी की जो है ना आत्मा के साथ जो है ना एक कहना चाहिए कि मैं 21 को वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ से चर्चा करके फिर मैं आपको बात कराइए। और आप जो है ना जितने कठोर शब्दों का मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उतने ही कठोर शब्द आप उनसे कहिए। नहीं नहीं वो भाई आपने जो मेरे को बोला है, मैं सुबह सुबह आपसे जो चर्चा हो रही है बीच में चर्चा नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्वास्थ्य नहीं मैं इस बात की आपकी सराहना करता हूं कि इस उम्र के पड़ाव में आप इतने जोर से लगे हुए हैं, आपका ये ऊर्जा और ये लगाव और ये डेडिकेशन मेरे को भी जो है उपाले की कृपा है, वो वही काम करा रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, वही इतने देते हैं वही काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ये बताओ कि साहब ये काम जो है वो कह रहे हैं उससे भिन्न है, यदि वो जो उनका काम है यदि वही है और यदि आप उसमें कोताही कर रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार बार आपके आदित्य प्रताप जी से वार्ता होने के बाद, और वो जो है ना स्वयं चल के मेरे आवाज गृह में आए थे, तो, मैं लेके आया था। तो इसके बावजूद भी नहीं करना तो फिर दुष्टता है ना, ये देशद्रोह है। तो मैं बात करके 21-22 की बात कर रहा हूँ। चलिए चलिए ठीक है बंसल जी, यदि मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। नहीं ना, ये भी आपके आदेश नहीं है, ये उपालन के आदेश है। आप ये भी ना समझे कि आपने ही आदेश दिया, ये आपने कुछ बोला है, ये भी काम कराना है उसने ही कराना है, ठीक है। हम भी काम उसी का कर रहे हैं, मगर हो सकता है डायरेक्शन हमारा गलत हो, है ना? बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ तो फोर्स करता है, कराते ही काम कराने के लिए, बिल्कुल दिखाएगा ना वो मुझे। देखो आपसे बात करने की प्रेरणा हुई, मैंने आपको फोन लगाया, मुझे कुछ कठोर शब्दों को कहने की प्रेरणा मिली तो मैंने उन कठोर शब्दों में उसे कहा, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। नहीं काम कराने वाले वही है, हम तो है ही नहीं, हम तो सोच ही नहीं है, हमारे सोच थोड़ी है, कराने वाले वही है, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग जो है संकल्प लें कि हम एक झंडे के नीचे आके एक युग परिवर्तन पर काम करेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी अमित शाह सहित समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेता क्राइम फ्री भारत के उभरते चंद्रगुप्तों के हाथों न केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त होंगी, और ये जो है युग परिवर्तन का आगाज है जिसमें ये देश जो है अतुलनीय तरीके से बदल जाएगा। इस दृश्य में इस देश में हर कोई समृद्धशाली होगा, हर कोई आध्यात्मिक होगा, हर कोई जो है निरोगी और दीर्घायु होगा, और वह अपने मोक्ष के लिए काम कर पाएगा। ये शब्द हैं नेताजी के हैं, ये शब्द जय गुरुदेव के हैं, जो आप कह रहे हैं आपके मुंह से जो मेरे को सुनने में आ रहा है वही है, उसको हमने दूसरे डायरेक्शन में सोचा, तो अपन खुद डायरेक्शन में वहां जाके बात करेंगे, वहां पे अधिवेशन है, मैं वहां जाके बात करूंगा, फिर मैं आपको बात तो यदि 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 आपके आदित्य प्रताप जी में यदि हिम्मत हो तो मुझे वो जब पूरी आपकी ऑडियंस चल रही हो 15 मिनट का विंडो मुझे दे देना, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके ऑडियंस को एड्रेस करूंगा। ठीक है ना, चलिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।